आर्हत वांग्मय में एक शब्द आता है संबरो। नव तत्वों में एक तत्व छठा तत्व संबर है और संबर भावना भी है अनुप्रेक्षा भी है। आश्रव के ठीक विपरीत शब्द संबर होता है। नव पदार्थों में चार युगल हैं, परस्पर विरोधी युगल, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, बंध मोक्ष, ये परस्पर विरोधी युगल हैं। तो आश्रव से ठीक उल्टा संबर होता है। वर्षा होती है, नाले के माध्यम से कुंड में पानी आ जाता है। अगर नाले को रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, फिर कुंड में पानी नहीं आ सकता। हवेली मकान का द्वार बंद कर दिया जाए तो कोई जानवर कोई व्यक्ति भीतर में प्रवेश नहीं कर सकता। नौका का छेद अवरुद्ध कर दिया जाए तो नौका में पानी प्रविष्ट नहीं हो सकता। ये जो आगमन के पथ हैं, चाहे नाला है, चाहे द्वार है, चाहे छेद है, इनको रोक देने से अवरोध हो जाता है, आगमन बंद हो जाता है। इसी प्रकार यह आश्रव रूपी जो नाला है उसको अवरुद्ध निरुद्ध कर दिया जाता है तो संबर निष्पन्न हो जाता है। मिथ्यात्व आश्रव नहीं रहा पंचम गुणस्थान में तो सम्यक्त्व संबर वहां निष्पन्न हो जाता है। अव्रत आश्रव नहीं रहा छठे गुणस्थान में, व्रत संबर हो जाता है। प्रमाद आश्रव नहीं रहा तो सप्तम गुणस्थान में अप्रमाद संबर हो जाता है। कषाय आश्रव नहीं रहा तो ग्यारहवें बारहवें आदि गुणस्थानों में अकषाय संबर निष्पन्न हो जाता है। और योग आश्रव नहीं रहा, अयोग संबर चौदहवें गुणस्थान में निष्पन्न हो जाता है। जैन तत्व विद्या में 14 गुणस्थानों का विवेचन मिलता है। हम ध्यान दें, प्रायः प्रायः ज्यों ज्यों संबर की साधना बढ़ती है त्यों त्यों गुणस्थानों का क्रम आगे बढ़ता है। पांचवें गुणस्थान में सम्यक्त्व संबर हो गया, आगे व्रत संबर हुआ तो छठा गुणस्थान हो गया, अप्रमाद संबर हुआ तो सातवां गुणस्थान हो गया, अकषाय संबर हुआ तो ग्यारहवां बारहवां ये गुणस्थान हो गए, और अयोग संबर हुआ तो चौदहवां गुणस्थान हो गया। संबर के साथ गुणस्थानों का बड़ा तादात्म्य है। संबर की साधना की पुष्टि गुणस्थानों के क्रम को आगे बढ़ाने वाली होती है। कहीं कहीं निर्जरा का भी संबंध हो सकता है। मिथ्यात्व को छोड़ दिया, सम्यक्त्व को स्वीकार कर लिया तो मिथ्यात्व आश्रव से मुक्ति मिल गई। व्रत का त्याग कर दिया तो व्रत संबर निष्पन्न हो गया। दीक्षा ली जाती है, कोई साधु बनता है तो वह व्रत संबर को प्राप्त होता है। और जो व्रत संबर किसी को प्राप्त कराए वह बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात होती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की
जन्म शताब्दी का अवसर सामने आने वाला है और मैंने केलवा में कहा था कि जन्म शताब्दी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 100 दीक्षाएं हैं। गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी के संदर्भ में हम 100 दीक्षाएं, मुनि दीक्षाएं, साध्वी दीक्षाएं करने का प्रयास करें, और प्रयास हो भी रहा है, कुछ एक माहौल भी बना है। कई बच्चों में एक प्रेरणा प्रतीत हो रही है। आज सवेरे भी दो बाइयां आई, एक बाई बोली कि यह हमारा बच्चा है, अब इसके बारे में क्या करना, इसकी दीक्षा हो या आगे बढ़े। बच्चा 7-8 वर्ष का रहा होगा। मैंने तो कहा अभी तो इसको अध्ययन करने दो, स्कूल भी अभी नहीं छुड़ानी चाहिए, इधर संतों का जितना योग मिले, वो बॉम्बे के उधर के बॉम्बे में संत भी हैं, जितना हो सके संतों का संपर्क कराया करो, तुम खुद भी इसको संस्कारी बनाने का प्रयास किया करो। तो यह दीक्षा है, व्रत संबर को निष्पन्न करने का उपाय है, तरीका है। गुरुदेव तुलसी ने कितनों को संयम रत्न प्रदान किया। परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने भी कितने पुरुषों और महिलाओं को संयम रत्न प्रदान किया है। और भी हमारे कितने कितने आचार्यों ने कितनों को दीक्षित किया है। यह दीक्षित हो जाना, महाव्रतों को स्वीकार कर लेना, व्रत संबर की साधना है। श्रावक है वह भी आंशिक व्रत संबर की साधना करता है, पूर्णतया तो नहीं, क्योंकि पूर्णतया तो सर्व सावध्य योग का 3 कर्ण 3 योग से त्याग करने से होता है, कुछ अंशों में व्रत संबर श्रावक के भी हो जाता है। इसीलिए 5वें गुणस्थान का नाम है देश वृत्ति गुणस्थान, यानी आंशिक वृत्ति व्रत श्रावक के होती है। श्रावक 12 व्रतों को स्वीकार कर ले तो कुछ अंशों में व्रत संबर निष्पन्न हो जाता है। मैंने पिछले अरसे में 12 व्रतों को धारने की प्रेरणा दी और मैंने देखा कितने कितने श्रावक श्राविकाओं ने 12 व्रतों को स्वीकार किया है। हमारे साधु साध्वियों का श्रम हुआ है, हमने प्रेरणा दी और एक दिशा में काम आगे बढ़ा, कितने कितने लोग 12 व्रती बने होंगे। कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, दिशा निर्देश प्राप्त हो जाए, फिर हमारे धर्म संघ में उस ओर कदम बढ़ने लग जाते हैं। तो श्रावक को सोचना चाहिए कि मैं 12 व्रती बनूं, त्यागी बनूं, केवल धर्म का एक अनुरागी ही नहीं, धर्म को जीवन में उतारने वाला, त्याग संयम करने वाला बनूं। गीत में प्रेरणा दी गई, श्रावक व्रत धारो निज जीवन धन संभारो रे, श्रावक व्रत जय नागम रस विचारो रे, श्रावक क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर
भव मत हारो रे श्रावक व्रत जय नागम रस विचारो रे श्रावक अब्रत नाला है दगचाला रोकण मारग बारो रे श्रावक व्रत आत्म रूप तलाब नावशु करण करम जल न्यारो रे श्रावक निज जीवन धन संभारो रे श्राम त्याग नाग नहीं सिंह बाघ नहीं माग नहीं भय वारो रे श्रावक व्रत हृदय विराग भाग जागरणा क्यों कांप दिल थारो रे श्रावक व्रत निज जीवन धन संभारो रे श्रावक व्रत जय नागम रस विचारो रे क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर मानव भव मत हारो रे श्रावक व्रत तो जीवन में व्रत पुष्ट होना चाहिए त्याग बढ़ना चाहिए। गुरुदेव तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और एक आचार संहिता प्रस्तुत की। उस आचार संहिता को स्वीकार करने से संकल्प स्वीकार करने से भी व्यक्ति संयम की ओर आगे बढ़ता है त्याग की ओर आगे बढ़ता है। छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाते हैं तो आदमी का जीवन धन्य हो जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा अंश भी धर्म का जीवन में आता है तो वह महान भय से आदमी को उबारने वाला होता है। तो आदमी यह सोचे कि मैं इस बारे में कुछ विचार कर रहा हूं या नहीं, मैं धर्म की साधना आत्म कल्याण जीवन को पवित्र बनाने के संदर्भ में सोचता हूं या नहीं, नहीं सोचता हूं तो सोचने का प्रयास करूं और अपने जीवन को त्याग संयम की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करूं। हम लोग जगह जगह जाते हैं, हमारे साधु साधियां जाते हैं और लोगों को धर्मोपदेश